Hey guys, welcome to my new vlog. गुड मॉर्निंग सभी को. आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. और आज सुबह 9 बज चुके हैं. रात को एडिटिंग में टाइम लगा था, थोड़ा लेट उठाऊँ. अब जल्दी से फटाफट रूम पूरा सा बिखरा सा पड़ा है तो इसको सेट कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में. फाइनली सारा काम हो चुका है, अब चलते हैं नीचे तो कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में. तो गाइस जैसे ही मैं नीचे आया, पीछे बंदर बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ों पे इधर उधर कूद रहे हैं. तो सबसे पहले मैं गया हमारे आम के पेड़, और गाइस ये देखिए आम के पत्तों को खा चुके हैं. अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे तो मम्मी ने भगाया इनको, सारे जो नए नए पत्ते थे उन सबको खा चुके हैं. और गाइस वहाँ पे लोग रोटी वगैरह उनको प्याज वगैरह दे रहे हैं, और उनके जस्ट पास में चला गया है बंदर और डर के भाग भी रहे हैं. साथ में कई लोग जो कुछ ला खाने के लिए दे रहे हैं बंदर को, तो ना और गर्वित तो देख के हैरान हो गए कि हमारा आम के पौधे को पूरा नहीं खा जाए. अब पानी गिरा रहे गाइस, हद हो गई है, बंदरों को भगाने के लिए पानी गिरा रहे हैं, डर भी रहे हैं और पानी गिरा रहे हैं. पहले खाने को देते हैं, फिर लिटरली हमारे तो पौधे बच चुके हैं. अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से सुबह से इधर उधर कूद रहे हैं, जैसे मैं आया कूद रहे हैं. आधार कार्ड ले लियो. ठीक है, आधार कार्ड ले लीजिए, निकाल दे गाड़ी. गाइस धूप हो रही है बहुत ज़बरदस्त की, और छोटे भाई को वैक्सीन लगवानी है तो जा रहा है वैक्सीन लगवाने. तो देखते हैं आज उसका काम, मुझे जाना पड़ेगा तो मैं आपको आज फार्म हाउस भी दिखाऊंगा अपना. तो गाड़ी निकाल देते फटाफट से क्योंकि उसको जाना है, 1 बजे का अपॉइंटमेंट है. ठीक है शुभम, ध्यान से जाइयो. 2 हेलमेट क्यों ले जा रहा है? एक और दोस्त को ले जाओ, तूने तो पहले ही गिरा दिया. तो गाइस फाइनली शुभम के वैक्सीन लग चुकी है, और अभी टाइम हुआ है 2:30 और ये आ चुका है. तो अभी ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा क्योंकि धूप में जाके आया है. तो आज इसका काम मैं करने वाला हूँ, तो जाएंगे थोड़ी देर से, अभी तो 2:30 बजी है, 3:30-4 बजे तक जाएंगे. थोड़ी देर ऐसे में बैठ जा, एसी में बैठ जा. टाइम टाइम गट्टू कहाँ है? गट्टू को बुलाते हैं, गट्टू मिसिंग है हमारे ब्लॉग में. ये जो ना क्या यार, ये इतनी सारी किताबें कहीं की है? नहीं कर मेरे लाइब्रेरी खोली हुई है. लाइब्रेरी है, इसमें से कोई भी किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी है. निकाल दे कोई किताब. तो गाइस ये लाइब्रेरी नहीं है, ये वॉलपेपर है लाइब्रेरी जैसा, तो लगता है एकदम रियल क्योंकि ये अच्छे से लगाया हुआ है. तो ये कोई वॉल लाइब्रेरी नहीं है, ये वॉलपेपर है. इतनी सारी किताब मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकता हूँ. तो गाइज मैं 3:30 बजे से वेट कर रहा था कि आज मैं फार्म हाउस जाऊँगा और आपको मैं सारा व्यूज़ बताने वाला था, मेरा खेत वगैरह और सारे जो गाइज वगैरह हमारी है वो सब कुछ बताने वाला था. बट मेरा छोटा वाला भाई 2:30 बजे आया था, मैंने आपको बताया वो आ चुका है, बट मेरे को बोल रहा था कि मैं चला जाऊंगा. मैंने कहा नहीं, तू रेस्ट कर ले, आज मैं जाता हूं और मैं व्लॉग भी बना दूंगा और साथ में जो काम है वो भी हो जाएगा, दूध लेके आना है वो भी मैं कर लूँगा. बट वो भाग गया गाइस, 3:30 बजे आया जब तक तो वो चला गया था. मेरे साथ आज बहुत बड़ा पोपट हो गया क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, 1 बजे से मैं बोल रहा था मैं आज फार्म हाउस दिखाऊँगा, बट नहीं दिखा पाया. आई होप अगर कल उसका हाथ दर्द करता है तो मेरे को जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा वही जाता है और वही सारा काम संभाल रहा है. तो हम कभी जाते हैं, काम होता है तो जाते हैं, बट ज़्यादातर उसका ही जाना होता है. तो देखते हैं, उसका हाथ दर्द करेगा तो हम कल जाएंगे, आपको व्लॉग ज़रूर देंगे, और कल नहीं तो कभी ना कभी आपको जल्दी से जल्दी व्लॉग देने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे गाँव खेत का और हमारे फार्म हाउस पूरा दिखाएंगे. तो अभी चाय आ गई है, मम्मी चाय बना दी है, तो चाय पीते हैं और हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद.
तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ करवीर के लिए पतंग लेने के लिए। कल जो हमने प्रॉमिस किया था तो बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे और करवीर के लिए पतंग जल्दी से लेके आते हैं। ए व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज करवीर की ये जो पतंग और ये डोर, कल के जो हमने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से मैं लेके आ चुका हूँ और करवीर छत पे वेट कर रहा है। काफ़ी बार मुझे पूछ चुका है कब लाओगे पतंग, कब लाओगे पतंग। तो मैं बोला कि अभी एक दो दिन में लाएंगे तो जाके उसको सरप्राइज़ देते हैं, उसे कैसा लगता है देखते हैं और रिएक्शन भी कैसा होता है। चलिए हम चलते हैं ऊपर। तो गाइज इसको छुपा लेते हैं हम पतंग को। और करवीर, ओ करवीर क्या कर रहा है? कुछ नहीं है। तो पतंग नहीं उड़ा रहा क्या? क्या हुआ पतंग? तो ये रही करवीर की पतंग और ये सदी दो वो नहीं मिली। तो चरखी भी थोड़े दिन में लेके आ जाएंगे और मांझा भी ले आएंगे। अभी तो यहाँ यही अवेलेबल हुआ तो यही लेके आ गए। तो करवीर कैसा लग रहा है बताइए पहले। तो कल का प्रॉमिस पूरा हुआ ना? ठीक है। मैंने बोला था ना उधर मिलती है, अभी भी वहीं से लाया हूँ पर वहाँ पे नहीं मिला मंजा वगैरह चरखी वगैरह। तो मंजा तो अभी कुछ नहीं, इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसा फील हो रहा है तेरे को? बहुत अच्छा। तो गाइस करवीर की पतंग आ चुकी है और आते ही इसको कन्नी बांध नहीं आती, मैंने बांध दी। तो अभी उड़ा रहा है पतंग। करवीर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया ना? मुझे हाँ ऐसे ऊपर से उड़ा, इतनी तो हवा तेज है यार। तू चल, मैं तुझे उड़ा ना दे, उड़ा के देता हूँ, उड़ा के देता हूँ। चुकी है गर्वित, उड़ाना सीख रहा है, अभी ट्रेनिंग ले रहा है। ये उड़ी उड़ी उड़ी, अब पकड़ ले तो उड़ाएगा तब वो सीखेगा। चल मैं उड़ाता हूँ, फिर अपन चलते हैं नीचे। अब लास्ट है, ठीक है? मम्मी बुला रही है, फोन आ गया। अब कल कल एक पतंग तूने उड़ाई, एक मैं उड़ाता हूँ। मुझे भी देना, थोड़ी देर पड़ गई। पड़ गई, गिर गई, यार गिर गई, उड़ ही नहीं रही है, क्या दिक्कत है? हवा नहीं आ रही है, हवा तो फुल आ रहा है। उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। ये तो लीप खा रही है। आ गई, आ गई, आ गई, ये गई 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 गई। इतनी तेज उड़ रही है कैमरे में। तो गाइज हमारी पतंग ऊपर उड़ चुकी है आसमान में और मज़ा आ रहा है। तो करवीर के साथ साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अब पतंग को उतारते हैं नीचे और हम जाते हैं नीचे, क्योंकि हमें मम्मी बुला रही है। तो मम्मी का फ़ोन आ गया, अब जाते हैं नीचे। तो गाइज फटाफट बस अब नीचे, कल 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 इसको अभी सवेर देते हैं। तो गाइज अब बज चुके हैं रात के 11 और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो और जल्दी से एडिटिंग पूरी हो जाएगी, इसके बाद सो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए डेली लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।